गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुबह के 4 बजे ही सोकर उठ जाता हूँ। वो किसी मतलब फ़ोन थोड़ा ख़राब है ना, पुराना है, इसलिए इसमें 10:30 दिखा रहा है। फ़ोन ख़राब है, वैसे मैं सुबह के 4, 4:30 बजे ही उठ जाता हूँ। घर में सब बोल रहे हैं कि बाल कटवाने बहुत लंबे हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वरना मुझे बाद में डांट पड़ेगा कि इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखता है। वैसे एक बात बताओ, लंबे बाल रखने में क्या खराबी है? अच्छे ही तो लगते हैं, वैसे इतने भी लंबे नहीं है। क्या बोलती तू? घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। कभी कभी तो सोचता हूँ अगर शादी कर लेता, मेरी 2-4 बीबियाँ होती तो। फिलहाल ये मेरा अभी का लुक है। अगर मैं बाल कटवाता हूँ आज तो बाद का लुक देखना कैसा होता है। अच्छा, दाढ़ी भी कटवाना पड़ेगा, बकरी जैसी हो रखी है, ऐसा घर वाले बोलते हैं, पर मैं तो हैंडसम ही हूँ ना। देखते हैं क्या करते हैं क्या। सच कहूँ तो मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ब्लॉग। अभी आपको जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसी में कंट्रीब्यूट करो सब्सक्राइब करके। बाकी आगे मैं क्या करूँ। आई लव यू। मैं आप लोगों को क्या ब्लॉग बना के दिखाऊं? हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मैं बाहर निकलता हूँ, बाइक घर पे पड़ा रहता है, मैं तेल डलवाता हूँ नहीं, लीटर का 100 आता है, कहाँ से डलवाऊँ। डेली ब्लॉग मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाना ही भूल जाता हूँ। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा सही एंगल पकड़ते कैसे, तो क्या वीडियो बनाऊँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग करूँ, उसके लिए मैंने हेलमेट का माउंट ऑर्डर किया है, ऑर्डर करूँगा। और फ़ोन भी मैंने 6 साल पुराना वाला एक फ़ोन था, उसे भी ठीक कर लिया है। आगे देखते हैं, शायद क्या होता है, पता नहीं। यू लव मी टू। एक ब्लॉग पे मैं अपना होम टूर दूंगा, और एक बाइक, एक ब्लॉग में बाइक के कुछ ना कुछ ऐसे ही, जैसे दूसरे ब्लॉगर बनाते हैं वैसे मैं भी। जैसे दूसरे यूट्यूबर्स, दोस्तों मैं खाना खाने जा रहा हूँ, दोस्तों मैं हगने जा रहा हूँ, दोस्तों पात के साथ थोड़ा गू निकल गया, मैं भी अभी कुछ खा के आया हूँ और मैं बनाना भूल गया, बताना भूल गया, दोनों ही। सब्सक्राइब। हैं तो फिर चलो चलते हैं बाल कटवाने, फिर आके दिखाता हूँ मैं कितना हैंडसम हूँ, और बाल कटवाने के बाद और कितना ज़्यादा हैंडसम बन जाता हूँ, लोगों की कदर ही नहीं। मेरे घर वालों को इतना हैंडसम लड़का मिला है, ऐसा नहीं कि उसे इतना लाड प्यार दो, डांटते रहते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो। पता नहीं मैं जब किनसे कितने दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, इसके पहले भी ब्लॉग बनाया था लेकिन कभी वो याद है नहीं, 1-1.5 महीने पहले। अब फिर से कब ब्लॉग आएगा वो भी मुझे नहीं पता, तो स्टे ट्यून्ड। मैंने सोचा था कि आज बाल कटवाऊंगा, लेकिन मेरे बाबा का दुकान है तो मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। जिन भी लड़कों के बाबा के दुकान होते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो कहीं पर भी रहे, दोस्तों के साथ रहे, हगने बैठे, बाबा ने एक कॉल किया कि चल वे दुकान आ, जाना पड़ता है। मुझे भी अभी जाना पड़ेगा, आज भी बाल कटवाना नहीं होगा तो अच्छा है, एक तरफ तो अच्छा ही है।
मैं यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ, बाहर भी अभी दुकान होके आया हूँ, अभी एक और जगह जाना है, पर मुझे थोड़ी सी शर्म आता है तो मैं बाहर वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। मैं मतलब प्रोफेशनल ब्लॉगर वाला है नहीं अभी तक। वैसे भी ये कौन सा ऐसे, मैं भी तो प्रोफेशनल ब्लॉग ही बना रहा हूँ ना। है जी हाँ दोस्तों, बाल कटवाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन हम लड़कों का फिर भी सही है। नहा अभी नहा के आया हूँ, देखो कितना सही लग रहा हूँ। बेकार में बाल कटवाओ, साबुन लगाओ, तेल लगाओ, ये करो वो करो, हम तो ऐसे ही। मैं क्या ब्लॉगिंग करूं कैसे, मैं तो एक तो बिजली है होने के बावजूद कुछ काम नहीं है। ये देखो वोल्टेज का कोई अता बता नहीं, कभी अप डाउन, ये देखो खुद ब खुद हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और मैं ब्लॉग क्या बनाऊं, मैं भूल ही जाता हूँ मैं ब्लॉगर हूँ। मैं फ़ोन एक बार जेब में चला गया तो जेब में ही भरा रहता है, अभी मुझे याद है अरे मुझे तो ब्लॉगर बनना है, फिर से कैमरा उठा लिया। आप ये देखो इसका एक अलग ही नशा है, अभी ये देखो खुद ब खुद रोशनी बढ़ रहा है, कम रहा है वोल्टेज का, ये खत्म है गया, ये ट्यूबलाइट आज ही खत्म होगा फॉर श्योर। मैं भाग रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे टट्टी आई है, मुझे दुकान जाना है फिर से। ओह ये देखो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है, ये सब काट कूट के बनाना पड़ता है। ये है एक घर, ये है एक कछुआ, ये नाव है और नाव के ऊपर घर है, समझ रहे हो, और फिर ये एक बिल्ली है सूखी हुई, ये भी कुछ है बतख, हाँ, और ये भी है, ये घोड़ा है और भी है, रुको, अच्छा ये तो कैंडल है, ये भी कुछ है, अच्छा ये कैमल है शायद से, ये एरोप्लेन है और ये चाबी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आगे मिलते हैं।